नमस्कार दोस्तों, मैं हिना स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल द फैक्ट टाइम में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों से और जानने वाले हैं डेरा सच्चा सौदा के कुछ अनछुए सफर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस एपिसोड को। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? सुनीता। तो सुनीता जी, आपको कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? मेरे को 20 साल हो गए और जो हमारे माँ बाप है वो मस्ताना जी के टाइम से जुड़ी हूँ। आप एक महिला हैं, 20 साल से यहाँ आ रही हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी है, बच्चियों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। हम इतना सेफ्टी फील करते हैं डेरे में आके कि हम कहीं भी मेला है या कहीं और चले जाए, हम अपने आप को सेफ फील नहीं कर सकते। कहीं बस में चले जाए, रेल में चले जाए, हम सेफ फील करें, वहाँ पे भी छेड़ा छाड़ी ऐसे कुछ करें, लेकिन डेरे में इतना नियम है गुरु जी का कि लेडीज़ की तरफ लेडीज और जेंट्स की तरफ जेंट्स। देखो, मीडिया तो पता नहीं क्या क्या बोलता है, सच्चाई तो वो दिखाते ही नहीं। अगर वो सच्चाई दिखाने लग जाए तो उनके चैनल बंद हो जाएंगे, झूठ दिखाएंगे तो चैनल चलेंगे, है नहीं? और अंधभक्त तो उनको क्या पता हमारी भावनाओं का, हम कितना विश्वास गुरु जी पे करते हैं। वो आके तो देखे ना, आप वो दूर बैठे देख बैठे कुछ भी मर्जी बोल ले, क्या है? आप बात करो हमसे, फेस टू फेस बात करें ना, मीडिया आके बात करे। अरे उनसे बात करते हैं जो पैसे खा के बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमसे बात करें। हमारा दृढ़ विश्वास है, हम गुरु जी को आज छोड़ते ना कल छोड़ते ना कभी छोड़ेंगे। हमारे बच्चे हमारी लड़कियाँ यहीं पर पढ़े हैं, स्कूल प्लस टू गुड़िया ने यहीं पर की है। अगर स्कूल में ऐसा कुछ होता, कहीं और होता डेरे में, तो क्या हमारे बच्चे बताते ना हमको? उन्होंने इतना टॉप और मेरिट आई है हमारी गुड़िया की। लड़कियों का अलग स्कूल है गुरुजी ने जो बनाया, लड़कों का अलग है, और इतना मतलब अच्छी तालीम, इतना अच्छा शिक्षा दी जाती है कि बहुत अच्छी, जहाँ मतलब धार्मिक भी और सारी चीज़ें बताई जाती है बच्चों को। ये नहीं कि उन्हें पढ़ाना ही, उनको और भी अच्छी चीज़ें जो दुनिया में, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों का मतलब प्यार से रहना रखना, इतना कुछ सिखाया जाता है गुरुजी ने, बहुत कुछ सिखाया है। पैसा लिया जाता है, आज कौन बोलता है? ये मीडिया बोलते हैं या वो बोलते हैं, चंद लोग जो पैसा खा लेते हैं और वो किसी को बदनाम करने के, कोई किसी का अच्छा चल रहा है। आप स्कूल में जाके पता करो, बच्चे टॉप करके आए हैं और मेरिट आती है बच्चों की, और एशिया कप जीत के लेके आए हैं बच्चे रोलर स्केटिंग में। कहीं बाहर के स्कूल में हमने सुना ही नहीं आज तक कि बच्चे इतनी बुलंदियाँ छू रहे हैं। अनछुआ सा पहलू इन महिला ने उठाया है कि यहाँ के बच्चे एशिया कप तक जीत कर आए हैं, हर साल यहाँ मेरिट आती है, एशिया कप सिरसा में आया है, इसकी कोई भी न्यूज़ आज तक मीडिया में नहीं दिखाई गई है। तो आप क्या मानती हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको यहाँ आना चाहिए या और लोगों को यहाँ आना चाहिए या नहीं? मैं तो ये कहती हूँ कि देखो, हम तो यहाँ से कभी उठेंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा सच्चाई, उनके सामने देखो कब तक छिपी रहेगी सच्चाई, तो बाहर आनी आनी है। कि आज अगर आपको लोगों को बताना हो कि आपको अपने गुरु पर कितना विश्वास है, तो क्या कहेंगे आप? मेरे गुरु पर मेरे को इतना विश्वास है कि शायद मेरे को अपने माँ बाप और पूरी दुनिया में मेरे को कोई करोड़ रुपये भी देना तो भी मैं उस पर विश्वास करूँ। मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप किसी के भी बहकावे में ना आए। अगर आपको कोई शंका है स्कूल के बारे में, गुरुजी के बारे में, या यहाँ पे हम संगत कोई गलत काम कर रही है, आप आए ना पता करें। आप दूर बैठे का क्या है? अगर हम किसी के बारे में, हम किसी को जानते नहीं, हम उसके बारे में कुछ गलत बोलने लगे, देखो हम उनके बारे में क्या जानते हैं, है नहीं? आप आए देखे क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको सब पता लग जाएगा। तो सुना आपने, इनका कहना है कि आप कुछ भी मनोभावना बनाने से पहले, कुछ भी धारणा बनाने से पहले एक बार यहाँ आएं और देखें कि डेरा सच्चा सौदा क्या है, यहाँ क्या होता है, यहाँ की शिक्षण संस्थान कैसे हैं, तो और बहुत से अनछुए पहलुओं को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट टाइम। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।